हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे हम एक एरे का डेटा दूसरे एरे में कॉपी कर सकते हैं। मतलब एक कैरेक्टर एरे का डेटा हमें दूसरे कैरेक्टर एरे में कॉपी करना है, और वो भी बिना स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ किए हुए। इससे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल किया था जिसमें हमने strcpy फंक्शन यूज़ किया था, और उसमें दोनों एरे के नाम पास कर दिए थे। एक हमारा डेस्टिनेशन एरे था और एक सोर्स एरे था, ठीक है। बट अब हम कोई स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था हम सब कुछ कॉपी कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, बट स्ट्रिंग्स को कॉपी नहीं किया जा सकता असाइनमेंट का यूज़ करते हुए। मतलब एरे को कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम कॉपी कर सकते हैं। मतलब एक एक इंडेक्स का जो डेटा है वो हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये दो एरे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे str1 का डेटा str2 में कॉपी करना है, तो मैं इंडेक्स बाय इंडेक्स कर सकता हूँ। जैसे मैंने लिखा str2 के 0 इंडेक्स पे मुझे असाइन करना है str1 पे रखे str1 के 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको मुझे str2 के 0 इंडेक्स पे असाइन करना है। सिमिलरली एक एक करके मैं सारे इंडेक्स का डेटा असाइन करते जाऊंगा, ठीक है। str1 के 1 इंडेक्स पे जो डेटा होगा उसको मैं str2 के 1 इंडेक्स पे डाल दूंगा, ठीक है। फिर str1 के 2 इंडेक्स पे जो जो डेटा होगा उसको मैं str2 के 2 इंडेक्स पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा हम कब तक करेंगे? जब तक पहले वाले एरे में स्लेस 0 ना मिले, तब तक हमें उसको सेकंड वाले एरे के इंडेक्स पे कॉपी करते जाना है। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बार बार हमें कॉपी करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लूप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो बनाते हैं इसके लिए प्रोग्राम। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू कैरेक्टर एरे एंड एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र इन द फर्स्ट एरे एंड नाउ कॉपी इट इन सेकेंड एरे, डू नॉट यूज़ स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है दो एरे आपको डिक्लेयर करने हैं, आपको स्ट्रिंग इनपुट करवाना है फर्स्ट एरे के अंदर और कॉपी करना है उसको सेकेंड एरे के अंदर, और स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ नहीं करना है। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड string.h की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। दो हेडर फाइल मैंने यूज़ कर ली, stdio.h conio.h, ठीक है। क्योंकि मुझे स्ट्रिंग फंक्शन नहीं यूज़ करना है तो मैंने string.h को हटा दिया। दो हमने एरे क्रिएट कर लिए, और पहले एरे के अंदर हमने यूज़र से डेटा ले लिया, एंटर एनी स्ट्रिंग, ठीक है। और उसको मुझे कॉपी करना है सेकेंड वाले में, तो सेकेंड में कॉपी करने के लिए मैं लूप का यूज़ करूँगा। तो मैंने एक फॉर लूप बनाया, और मुझे यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम फॉर लूप के अंदर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, क्योंकि पहला जो इंडेक्स नंबर होता है वो 0 होता है, और हमारा जो पहला एरे का जो नाम है वो str1 है। उसमें हमें जब तक नॉट इक्वल टू स्लेस 0 मिलता है, मतलब जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। और हमें अगर स्लेस 0 नहीं मिलता है इंडेक्स किसी भी इंडेक्स पे, पहले इंडेक्स पे अगर स्लेस 0 नहीं है, कोई दूसरा कैरेक्टर है, तो मुझे कॉपी करना है str2 में। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा था ठीक है, हमने अभी देखा था कि हमने str1 के जो 0 इंडेक्स पे डेटा होगा उसको str2 के 0 इंडेक्स पे असाइन करेंगे, ठीक है। फिर str1 के 1 इंडेक्स पे जो डेटा होगा उसको str2 के 1 इंडेक्स पे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ही तो चेंज हो रहा है, 0, 1, 2, और वो नंबर कहाँ से मिल जाएगा? वो हमें i के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा, और अब इस तरीके से कॉपी करेंगे कि
तो हमें क्या करना है, हमारा ये लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक इसलिए जीरो नहीं मिलेगा। जैसे इसलिए जीरो मिला है ना, जैसे जैसे ये इसलिए जीरो मिलेगा तो ये इसलिए जीरो कॉपी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट हमें नल कैरेक्टर भी तो दूसरे एरे में असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए जीरो मिलेगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। बट हमें उसमें इसलिए जीरो खुद से असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्कैनएफ के थ्रू या गेट्स के थ्रू डेटा लेते हैं तो अपने आप कंपाइलर उसमें इसलिए जीरो अप्लाई कर देता है। बट हमने इस तरीके से अगर कॉपी किया तो उसमें इसलिए जीरो नहीं आएगा, तो वो हमें असाइन करना पड़ेगा। तो हमें कहाँ पे असाइन करना है, जब ये लूप टर्मिनेट होगा। लूप टर्मिनेट होगा तो आई की जो भी वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे मुझे str2 में असाइन करना है इसलिए जीरो, ठीक है। अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ str2 को, तो मैंने printf का यूज़ किया। और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग str2 इज परसेंट एस कॉमा str2। तो str2 को मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे इसमें वही डेटा आएगा जो आप str1 के अंदर असाइन करेंगे। आप चाहें तो दोनों को प्रिंट करवा लीजिए, तो हम दोनों को ही प्रिंट करवा देते हैं, str1 को भी प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे स्लेशन लगाते हैं ताकि न्यू लाइन आ जाए। ठीक है, तो मैंने इसको रीलोड किया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया ABCD, एंटर किया तो आप देख रहे हैं str1 में और str2 दोनों में क्या है, ABCD दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो गया, कॉपी हो गया। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।